जी इंशाल्लाह अगला सवाल आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ खान है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें कुछ लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, तो फ्रेंड होती है, तो इस्लाम में ये फ्रेंड सर्कल की इजाज़त है क्या? और भाई एक क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड ही ला रहा हूँ मैं, आपका एक हिस्सा हो चुका है। क्वेश्चन सेम है सर जी, कंटिन्यू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जैसे कि मैं काफ़ी लड़कियों से चैट भी करता था, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लड़कियों से मैं चैट भी करता हूँ, पहले करता था, फ्लर्ट भी करता हूँ, जो भी एक्साइटेड। फिर जब ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ, जैसे पहले दिन था अच्छे अखलाक की अहमियत, तो मैंने वो सुना तो मैंने डिसाइड किया ठीक है सब गलत है, मैं छोड़ देता हूँ, कम्प्लीटली इसको हटा ही देता हूँ। फिर कल शेख साहब का बयान था जो बशीर मदनी साहब थे उनमें था, तो वहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिला कि गैर मुसलमानों को, गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ बुलाना चाहिए, उन्हें इस्लाम के बारे में बताना चाहिए। तो अभी ऐसा दिल में आ रहा है कि अब उनके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू करके, लेकिन लिमिटेशन में, क्योंकि जब तक हम उनके फ्रेंड नहीं बनेंगे उन्हें अच्छे से समझा नहीं सकते, तो फ्रेंडशिप कंटिन्यू रख के उनके एक लिमिटेशन में उन्हें हम इस्लाम के बारे में बताएं तो कैसा रहेगा? तो ये शैतान का वसवसा है या फिर मुझे कम्प्लीटली छोड़ देना चाहिए? मैं शेख से गुजारिश करूँगा मुख्तसरन आपका सवाल का जवाब दें, क्योंकि हो सकता है बहुत से नौजवानों के साथ ये मसला हो, तो मैं शेख से कहूँगा कि वो आपके सवाल। भाई ने जो है माशाल्लाह एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल को कॉन्टेक्स्ट में ला लिया और दो तीन दरसों को मिक्स करके उन्होंने बराबर उसको एडजस्ट कर दिया कि लास्ट में शैतान का बहका वसवसा तो नहीं है और सवाल इन कॉन्टेक्स्ट हो गया। बहरहाल सवाल ये था कि दावत इस्लाम के तालुक से उन्होंने एक लेक्चर सुना और उससे पहले फ्रेंड सर्कल होता और बहुत सारे नौजवानों को देखा गया, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, दोस्ती करना कॉलेज में, ये सब कॉमन एक जिसको कहें कॉमन फिनोमेना या कॉलेज के माहौल का एक कॉमन चीज़ दिखाई जाती है कि लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे से बात करते हैं, दोस्ती रखते हैं। तो भाई का सवाल था तो पहले याद रखिए, मैं इसको बताता हूँ ये रखना दुरुस्त है या नहीं है, फिर वो दावत पे आ जाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिए, एक मुस्लिम मर्द जो है, एक मुस्लिम लड़का हो या मर्द हो या स्टूडेंट हो या किसी भी इसमें हो, वो किसी भी गैर महरम लड़की से कोई बातचीत करना, ठीक है, कोई ताल्लुकात रखना, चाहे किसी भी किस्म के, जैसा स्टडीज़ के ताल्लुक से बात हो रही है या फिर ट्यूशन के ताल्लुक से या फिर एजुकेशन में तो टीचिंग के ताल्लुक से हो रही, नहीं कर सकता, याद रखिए नहीं कर सकता, सिवाय शरई ज़रूरतों के, और वो भी अगर कोई हो तो वो लोगों के सामने, अकेले में तो बिल्कुल नहीं, अगर शरई ज़रूरत भी है तो अकेले में नहीं, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जब दो गैर महरम, एक मर्द और एक औरत अकेले होते हैं तो तीसरा शैतान होता है, ठीक है, याद है। अब बहुत सारे नौजवानों को जब बोला जाता है कि गैर महरम लड़कियों से दोस्ती नहीं कर सकते आप, तो कॉलेज स्कूल में ये दुरुस्त नहीं है, तो बोलते हम जस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है, नज़रें अच्छी, हम लोगों की अच्छी नज़र से देखते हैं, और पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल देते, तो मैं अच्छे दोस्त है तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आग और बारूद ये कहते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम कोई धमाका नहीं करेंगे, साथ मिलेंगे तो पीसफुल रहेंगे हम। आप मुझे बताइए आग और बारूद मिलने के बाद पीसफुल कुछ हो सकता है क्या? हम नहीं, हम बहुत अच्छे जस्ट फ्रेंड्स। आग और बारूद दोस्त हो ही नहीं सकते मेरे भाई। ये सबसे जंगली जट और जाहिल इंसान ही बता देगा जो खेती करता है कि जोतने के लिए एक गाय और बैल नहीं लगा सकते, नहीं चलता हल वो, तो सबसे जट आदमी बोलता है कि एक मेल और एक फीमेल नहीं हो सकता, प्रॉब्लम होता है उससे क्रिएट, समझ रहे आप? सबसे जंगली और जट आदमी भी इसको फिनोमिना बोलता है, नहीं दोनों बैल होना, दोनों गाय होना, नहीं तो नहीं, समझ रहे, या तो दोनों कट्टे हेले होना या दोनों भैंसे होना, हल नहीं, एक एक मत लगाओ, प्रॉब्लम होगा। तो मैं कह रहा हूँ बारूद और आग सबसे अच्छे भी दोस्त बन जाए ना तो धमाके के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपकी दोस्ती किसी भी लेवल की हो दुरुस्त नहीं। अब सवाल था दावत इस्लाम के लिए क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, दावत इस्लाम, तो याद रखिए दावत इस्लाम के लिए क्या करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हमारे लिए नमूना, वैसे तो हर काम के लिए दावत इस्लाम में भी, तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये कहा कि जिनके ताल्लुकात पहले औरतों से थे कुछ तो बाकी रखे, टर्म्स रखे ताकि वो दावत दे? नहीं, जो हराम था उसको छोड़ना पड़ा, एक एक ऐलान आ रहा है शराब हराम तो छोड़ना पड़ रहा है, ये नहीं सोच रहे कि अब शराबियों के साथ बैठ के हम दावा देने, छोड़ना है तो छोड़ना है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में आयत नाजिल की कि जो है ये शराब जो है ये शैतानी अमल है, इससे बच्चों अगर तुम कामयाबी पाना चाहते हो, तो मदीने का ये हाल था, लोगों के पास 100 साल पुरानी शराब थी, मदीने के जो अरब थे 100 साल पुरानी शराबें थी, क्योंकि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती है और उतनी ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। अब मुझे कैसा मालूम, मैंने लोगों से सुना है, ठीक है, अरे इतनी डिटेल में कैसा जा रहे बोले आप, इतना लोगों से सुना, लोग बोलते हैं महंगी होती है, फुलां होती है, ठीक है, और वैसे भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ तो उसके बहुत सारी टाइप्स मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसमें कितना परसेंटेज है, उसके नाम बदलते हैं। बहरहाल तो जब ये हुक्म आया शराब का, तो मदीने की गलियों में
पानी की तरह जैसा सहावा ने बहा दिया, उसको बाद हुक्म आ गया खत्म। पर्दे का हुक्म आया तो औरतों ने जो बाजार में सुना पर्दे का हुक्म आया तो घर तक बगैर पर्दे की नहीं गई, समझ रहा बात को। तो लिहाजा दावत इस्लाम में कहीं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी कि आपकी दोस्ती तो कंटिन्यू रहने दें, जैसे आपने कहा दोस्ती है तो मैं दावत दे सकूंगा, आप बगैर उसके भी कर सकते हैं। अंदर आप जनरली अगर मिक्स गैदरिंग होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स, पीछे बैठी है गर्ल्स सामने है, और आप चूंकि जनरली स्टडीज़ में भी ये कॉन्टैक्ट आपका होता है, तो एक जनरल सेंस में ऐसा लेक्चर आप खड़े रहकर उनको इस्लाम समझा दें तो इसका तो जवाब होगा, लेकिन आप वन टू वन उनसे दोस्ती बाकी रखकर कैंटीन्स में, होटल में, या कभी जो है कैंपस के अंदर, या कभी हॉस्टल रूम के अंदर, या कभी ऐसा करें, बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब गैदरिंग है समझ लीजिए, क्लास में आप बोलते हैं, गैदरिंग जमा है, आप उनको बोलते हैं क्लास मैं कुछ बताना चाहता हूँ आज ये चीज़, एक अलग बात, उनसे टर्म्स रख के नहीं, हाँ जो नॉन मुस्लिम आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं या ऐसे बात जो लड़के हैं बॉयज़ हैं, बिल्कुल आप उनसे टर्म्स रख सकते हैं और टर्म्स रख के बिल्कुल आप उनको बताइए, लेकिन जहाँ तक लड़कियों का मामला है, ये काम मुस्लिम लड़कियों का काम है कि वो उनसे टर्म्स रखे दूसरी नॉन मुस्लिम लड़कियों से, और उन तक इस्लाम का, हक का, दीन का, अमन का पैगाम मेरा पहुँचाए, तो ये इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकती। और जो आपको ये ख्याल आ रहा था कि उनसे दोस्ती बाकी रखूंगा तो ये काम कर सकूंगा, यकीन में शैतान का वसवसा था, उसको आपको निकालना पड़ेगा। और हक बात ये थी कि आपको आप दोस्ती छोड़ देना है, इसके साथ क्लास में जनरल टर्म्स में जो काम होता उसमें अगर आप ऐलान कर सकते इस्लाम की दावा दे सकते तो उसमें इंशाल्लाह इसकी हर्ज नहीं, इंशाल्लाह।